जैन इमाम टीवी इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जो अपने लुक्स की वजह से बहुत पॉपुलर है और जिनके काफी कम ऑलमोस्ट ना के बराबर हेटर्स हैं। कैसी थी जैन की इस इंडस्ट्री में आने से पहले की लाइफ और क्यों नामकरण टीवी शो का पार्ट बनने का डिसीजन जैन ने लिया था, कैसे और क्यों उन्होंने अपने लुक्स को पूरी तरह बदल डाला और अपने रिलीजन की वजह से कब और क्यों उन्हें कार में ही सोना पड़ता था, किस तरह के लोग जैन को बिल्कुल पसंद नहीं आते और उनकी एक फैन का घर से भाग जाने का किस्सा, जैन की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही काफी इंटरेस्टिंग बातें मैं शुभि आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे जैन की लाइफ से जुड़ा एक क्वेश्चन पूछूंगी और जो भी पहले उसका सही जवाब देकर कमेंट करेगा उसका नाम मैं अपने आने वाले वीडियो में जरूर लूंगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और मेरे चैनल पर ऐसी ही बहुत सारी लाइफ स्टोरी वीडियोस मौजूद है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक जरूर करें। जैन इमाम का जन्म 18 मई 1988 को न्यू दिल्ली में एक मुस्लिम फैमिली में ईद उल फितर यानी मीठी ईद वाले दिन हुआ था और इसलिए साल में एक बार नहीं बल्कि दो बार जैन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उनके घर में उन्हें और उनके भाई को हमेशा ही पेरेंट्स की तरफ से जो चाहो वो करियर चूज करने की फ्रीडम थी, पर दो शर्तों पर। पहली ये कि अपनी पढ़ाई पूरी खत्म कर लेनी है और दूसरी ये कि जो भी काम करना है उसमें अपना बेस्ट तो देना ही है। पर उस टाइम वो बड़े होकर एक पुलिसमैन बनना चाहते थे। पेरेंट्स का बचपन से इस तरह का सपोर्ट मिल जाए तो बच्चे पढ़ाई में बेकार भी हो फिर भी उसमें अपना बेस्ट तो दे ही देते हैं। ऐसे ही कुछ जैन के केस में भी हुआ। जैन बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे नहीं रहे पर फिर भी उन्होंने अपनी स्टडीज में अपना बेस्ट दिया। अपनी स्कूल एजुकेशन खत्म कर लेने के बाद जैन का एम एक बिजनेसमैन बनने का था, इसलिए उन्होंने बीसीए में एडमिशन तो ले लिया पर अनफॉर्चुनेटली बीसीए के 3 साल के कोर्स खत्म करने में उन्हें पूरे 4 साल लग गए। बीसीए खत्म कर लेने के बाद जैन ने सोचा कि वो बीपीओ में जॉब करेंगे क्योंकि उसमें पैसा अच्छा मिलता है और काम कुछ नहीं होता। जैन अपनी सोच की एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि उस टाइम वो सोचा करते थे कि कॉल सेंटर तो हिंदी मीडियम वालों के लिए होता है और बीपीओ स्टैंडर्ड लेवल का, बट वहां जाकर उनका वो एटीट्यूड सब फेल हो गया। खैर वहां उन्हें 15 आवर्स तक बॉस की गुलामी में काम करना पड़ता था और उनकी फर्स्ट सैलरी 9,000 रुपीज पर मंथ थी। बाद में उन्होंने एक अमेरिकन बीपीओ में काम करना शुरू कर दिया और तभी से उनकी टॉकिंग स्किल्स इम्प्रूव हो गई थी। वो इस फील्ड में परमानेंट जॉब नहीं करना चाहते थे। उन्हें उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आया कि नेक्स्ट उन्हें क्या करना चाहिए, बट देन ही डिसाइडेड टू डू एमबीए और फिर उन्होंने फाइनली अमिटी इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले लिया। एमबीए कर लेने के बाद वो अच्छे फर्म के लिए काम कर ही रहे थे पर उनका एक्टिंग फील्ड में हमेशा से ही जाने का मन था और उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दी। एल्डो ग्रुप जैसी मॉडलिंग एजेंसीज के साथ काम करने के बाद उन्हें सबसे पहला एडवर्टीजमेंट ब्रेक हाइक मैसेंजर का मिला जिसके लिए उन्हें कुछ 16,000 रुपीज ऑफर हुए थे। जैन को तब लगा इतने से एड के लिए इतने रुपए, वाओ लाइफ तो सेट है, पर उसके बाद महीने पर महीने निकलते चले गए और उन्हें कोई काम ही नहीं मिला। ऑडिशन का वो फेज उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग कोर्स के ऑडिशंस देना स्टार्ट कर दिया था और आज तक उन्होंने एक्टिंग नहीं सीखी, पर उस दौरान कास्टिंग मेंबर्स उनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। जैन को बहुत लगता था पर फिर उन्होंने अपने स्किल्स पर वर्क करना शुरू किया और एक्टिंग सीखते रहे। उस दौरान वो अपने एक दोस्त अभिलाष के साथ ऑडिशंस देने जाते थे और उन्हीं के साथ रहते थे, पर जब उनके लैंडलॉर्ड को पता चला कि जैन मुस्लिम है और इंस्पायरिंग एक्टर भी है तो उन्होंने जैन को घर से बाहर निकाल दिया था और लैंडलॉर्ड ही नहीं बाकी कोई भी उन्हें रेंट पर रहने के लिए घर देने को रेडी नहीं था। वो ऐसा टाइम था जब जैन अपने दोस्त की कार में सोया करते थे और काफी रातें उन्होंने इस तरह ही निकाली है जिसके बारे में भी उनके घर पर कोई नहीं जानता था। दिक्कत ये भी थी कि वो घर से इस करियर के लिए बस 1 साल का वक्त मांगकर आए थे, बट किस्मत जैन के साथ ही थी और साल खत्म होने से पहले ही करीब 6 महीने बाद उन्हें 2014 में एमटीवी के शो कैसी है यारिया में कास्ट कर लिया गया। इस शो में उनका रोल एक कैंसर पेशेंट का होने की वजह से उन्हें छोटे बाल रखने थे, पर जैन बाल नहीं कटवाना चाहते थे इसलिए उन्होंने ट्रिम्ड हेयर्स रखे क्योंकि पहले ही शो में वो अपना करियर भी दांव पर नहीं लगा सकते थे। पर जैन हमेशा से अपने सबसे बड़े क्रिटिक रहे हैं और दूसरों के क्रिटिसिज्म से खुद को इम्प्रूव करने वाले भी, और तभी से उन्होंने अपने लुक्स और बॉडी को बेस्ट बनाने का डिसीजन ले लिया था और रिजल्ट्स आज सबके सामने हैं। कैसी है यारिया में सपोर्टिंग रोल प्ले कर लेने के बाद उनकी वो मेहनत काम भी आने लगी और अगले ही साल उन्हें टशने इश्क में युवराज लूथरा के रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड भी दिया गया। पर इस शो के दौरान जैस्मिन और जैन की फाइट का एक किस्सा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी।
खैर डश ने इश्क शो के बाद उन्होंने ये वादा रहा शो में अबीर का कैरेक्टर भी प्ले किया, बट 2017 में स्टार प्लस के शो नामकरण में एसीपी नील खन्ना के रोल ने उन्हें एक्सट्रीम पॉपुलैरिटी दिलाई जो आज तक खत्म नहीं हुई है और शायद ही कभी होगी भी। जैन इमाम को डेली सोप्स के लिए 12 से 15 आवर्स डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की झिकझिक सुनने में कम इंटरेस्ट था और वो ऐसा रोल करना चाहते थे जिसमें वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सके, और जब उन्हें नामकरण शो ऑफर हुआ तो इस शो को करने का फैसला जैन ने सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि महेश भट्ट इस शो के फ्रंट रनर थे। खैर उनका वो डिसीजन उनके लिए हद से ज्यादा फ्रूटफुल भी रहा और साथ ही उनका वो बचपन का कॉप बनने वाला सपना भी पूरा हो गया। नामकरण शो के बाद से जैन की टीवी शोज को लेकर सोच बदल गई और उन्होंने नामकरण जैसे शोज का ही पार्ट बनना डिसाइड किया जिनकी स्टोरीज हीरो या हीरोइन की पॉपुलैरिटी देखकर स्ट्रेच नहीं की जाती और स्टोरी के अकॉर्डिंग शो एक फाइनाइट टाइम के लिए ही चलता है। नामकरण शो में उनकी को स्टार रही अदिति के साथ उनका नाम नील इस तरह जोड़ा गया था कि आज भी अब नील हर तरफ ट्रेंडिंग में रहता है, लेकिन बार बार अदिति के साथ शो के एंड हो जाने के बाद भी नाम जुड़ना और अदिति से जुड़े सवाल ही पूछे जाना जैन को एंड में काफी इरिटेटिंग लगने लगा। जैन ने कहा कि वो खुद किसी से कॉन्टेक्ट में नहीं रहना चाहती और फैंस का एक ही को स्टार से इतना ऑब्सेस्ड हो जाना उनके करियर को भी अफेक्ट करता है एंड ही रिक्वेस्टेड कि वो और अदिति किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं तो उनसे नाम जोड़ना बंद कर दे। वैसे टश ने इश्क के सेट्स पर एक बार जैन को डायलॉग्स नहीं याद हो पा रहे थे और वो बार बार रिटेक्स लेते रहे, इस पर जैस्मिन उनसे बहुत इरिटेट हो गई और दोनों के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट छिड़ गया था जो बाद में शो के डायरेक्टर को बीच में पढ़कर रिजॉल्व करना पड़ा। खैर जैन इमाम और जैस्मिन तो हमेशा ही इस बात को नकारते रहे पर सच जानने वाले कुछ और ही कहते हैं। जैन की स्मार्टनेस की वजह से हमेशा ही उनका नाम उनके को स्टार्स के साथ जोड़ दिया जाता था। इतना ही नहीं नामकरण में अदिति की रियल सिस्टर रही नलिनी नेगी के साथ भी जैन के लिंकअप्स की खबरें काफी उड़ी थी पर जैन ने सभी को नकार दिया। इतना ही नहीं जैन ने एक बार किसी इंटरव्यू में ये कह दिया था कि अदिति बहुत ही इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग को स्टार है, जब भी हम सीन की लाइन रिहर्स करते हैं तब भी वो जबरदस्त एफर्ट्स डालती है और यदि मुझे एक चांस मिला तो आई वुड मैरी हर। फैंस उनके इस स्टेटमेंट को भी उस टाइम पर मिसकंस्ट्रक्ट कर गए थे जिसकी वजह से सभी को लगा था कि दोनों सच में डेट कर रहे हैं। पर जैन के एक क्लोज सोर्स ने ये बताया था कि वो एक्ट्रेस का मॉडल जारा यास्मिन को एक साल तक सच में डेट कर चुके हैं। खैर ये तो उनकी लाइफ का अब वो पार्ट बन गया है जिस पर वो ध्यान भी नहीं देते। जैन इसलिए ही चूजी हो गए हैं क्योंकि उन्हें डेली सोप्स का हिस्सा बनना पसंद नहीं आता और वो वेब सीरीज या प्री डिसाइडेड टाइम लिमिट के लिए बनने वाले टीवी शोज ही प्रेफर करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने डेली सोप्स की बजाय क्रैश वेब सीरीज का पार्ट बनना ठीक समझा। जैन को पॉजिटिव लोग और उन्हीं के बीच रहना पसंद है। वो बताते हैं कि जो लोग सड़ा हुआ फेस लेकर उनके सामने आते हैं तो जैन उन्हें देखकर टर्न ऑफ हो जाते हैं। लास्टली जैन टीवी शो एक ब्रह्म सर्वगुण संपन्न की शूटिंग के दौरान उदयपुर में शूटिंग कर रहे थे और वहां 18 साल की एक लड़की घर से भागकर जैन से मिलने पहुंच गई थी और उनसे ये भी बोली कि उनके पापा को अभी इस बारे में पता नहीं है, जब वो घर जाएंगी तो उनकी बहुत मार पड़ने वाली है। इनफैक्ट उसने जैन के नाम का टैटू भी अपनी रिस्ट पर बनवा रखा था जिसे देखकर जैन ने उन्हें अटेंड किया, हग किया और ये कहा था कि अब घर जाओ और शादी के बाद इस नाम का टैटू हटाकर अपने हस्बैंड के नाम का टैटू जरूर बनवा लेना। दरअसल जैन भगवान की दी हुई बॉडी पर टैटू जैसी चीजों से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं समझते और उन्हें टैटूज बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ये थी जैन इमाम की छोटी सी लाइफ स्टोरी। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछूंगी, तो वो क्वेश्चन ये है तो आपको जैन के उस फ्रेंड का नाम बताना है जो उनके ऑडिशन के अर्ली डेज में उनके साथ थे और जिनकी कार में जैन ने रातों गुजारी है। तो जल्दी से कमेंट करके इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।